तो लाइव आज के इस वीडियो में मैं लाइव आया हूं और मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मगध यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी को दिल से सैल्यूट करता हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैसेज ओपन है, और टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है रोज हजारों मैसेज करते हैं, ठीक है, एक दो नहीं हजारों मैसेज करते हैं, और उस मैसेज में सिर्फ एक ही सवाल लगातार बार बार आता है कि रिजल्ट कब जारी होगा, एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा, परीक्षा कब होगा, और साथ ही साथ एडमिशन कब से शुरू होगा। क्योंकि इस वर्ष जो इंटर फाइनल किए हैं, लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और लाखों स्टूडेंट्स जो है परीक्षा देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर लगातार जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर एडमिशन मतलब कि इस वर्ष अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है, मतलब एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ जो रिजल्ट पेंडिंग में है रिजल्ट कब जारी होगा, परीक्षा कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब होगा। ऐसा बुरा हाल कभी पहले नहीं हुआ था। मगध यूनिवर्सिटी एक पहले बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी थी, हर चीज़ जो है कंप्लीट करती थी समय पर ये जो है कुछ साल ये जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद जो है कुलपति चेंज हुए हैं, कुलपति चेंज होने के बाद ये जो सिस्टम है सारा बिखर गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन के बाद कोई भी चीज़ें जो है सही से समय पर जारी नहीं हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन उसका भी कोई लाभ स्टूडेंट को नहीं मिला है। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने के बाद सुनते हूँ, मैं बहुत बार सुना हूँ कि एक बार अगर आप धरना प्रदर्शन कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को जो है कोई भी समस्या होता है उसका समाधान हो जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि एक बार नहीं कई बार स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में हजारों स्टूडेंट्स मैसेज फिर कर रहे हैं कि फिर से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहे तो धरना प्रदर्शन करिए, आई सपोर्टिंग, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी रिजल्ट को लेकर, परीक्षा को लेकर, एडमिशन को लेकर, एग्जाम फॉर्म को लेकर, जो भी नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही आएगा तुरंत मैं आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, और जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे आपको मगध यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि सर आप बिना नोटिफिकेशन के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये बात गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को मतलब कि लाइव आकर कह रहा हूँ कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, जब नोटिस आएगा तभी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट पर हो, एग्जाम फॉर्म पर हो, एडमिशन पर हो, परीक्षा पर हो, कोई भी हो, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कॉल किए थे, मतलब कि ऐसा 3-4 स्टूडेंट जो हैं कॉल किए थे मगध यूनिवर्सिटी के कि सर रिजल्ट कब जारी हो रहा है। एक स्टूडेंट थे जिनका नाम नहीं पता है, पर मैं उनसे पूछा भी नहीं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं समझा मैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर रिजल्ट आने की कब तक संभावना है। तो भाई इसका जवाब तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है, ना ही काउंसलर के पास है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब एग्जाम रिजल्ट का जब डेट जारी हुआ था तो उस डेट पर भी रिजल्ट जो है जारी नहीं किया गया। रिजल्ट को लेकर कितनी नोटिफिकेशन आई, कितना नोटिस जारी हुआ, लेकिन कोई भी समय पर रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो इसका जवाब जो है रिजल्ट को लेकर, चाहे परीक्षा को लेकर, चाहे एग्जाम फॉर्म को लेकर, अभी तक कोई भी ऐसा जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो या काउंसलर हो या मेन अधिकारी हेड अधिकारी जो भी हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पर जो भी हैं, उनके पास भी इसका जवाब नहीं है अभी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से हम आपको तुरंत अपडेट्स करते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बिहार बोर्ड के अगर आपके भाई छोटे भाई हैं या आपके दोस्त यार के छोटे भाई हैं, मैट्रिक इंटर में हैं, तो उनको बताइएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।